नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक बड़ी ही गंभीर और मनुष्य को झकझोर देने वाले विषय को लेकर के। आत्महत्या की कुछ बातें हम करें। मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। 84 लाख जीवों में मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। ईश्वर का सबसे प्यारा जीव अगर कोई है तो वो है मनुष्य। इसलिए है क्योंकि वह अपने संघर्ष के बल पर दुनिया में मुकाम बनाता है और संघर्ष के पीछे इतनी समझौता करता है, समझौता करते 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 वह असल जिंदगी को भूल जाता है। एक मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं। वो अपने अच्छाइयों के बल पर, अपने सच्चाई के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर वह जिस गुण को विकसित करना चाहता है वो गुण विकसित कर लेता है। वह मनुष्य संवेदनशील है, सोचने वाला है। मनुष्य और जानवर में कोई ज्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। भगवान को सबसे प्यारा मनुष्य इसलिए है कि वो भगवान को मानता है, भगवान के लिए मन्नतें करता है और जो भी अपना काम शुरू करता है वो भगवान का नाम लेके करता है। सोचने समझने, हंसने रोने की क्षमता उसमें है, ईश्वर ने दिया है। शायद यही कारण होगा कि ईश्वर को सबसे प्यारा वह मनुष्य है। बात आती है आत्महत्या की। वह व्यक्ति जो अपने संघर्ष के लिए अपना असल जीवन भूल जाता है, अचानक उसके मन में, अचानक उसके विचार में वो कौन सी ऐसी बातें आती हैं जिससे अपने आप को वो खत्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत सोचने, बहुत समझने, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत सामाजिक घटनाओं को देखने के बाद यह पता चला कि कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है कि व्यक्ति अपना जीवन, कहीं आदमी को थोड़ा सा झील जाता है, कट जाता है तो वो पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेने के लिए उसके पास कैसा, किस तरह का मोटिवेशन या किस तरह का दिमाग उसने अपना विकसित किया होगा जिसके चलते वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अगर इसके तह में जाया जाए तो बहुत बड़ी बात होकर निकलती है। बहुत ऐसी बातें हैं लेकिन सब पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो मूल चीजें हैं। मूल चीज क्या है? अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो दूसरे की बातों को सुनता है और सुन करके वो अपने जेहन में रखता है। और अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि दूसरे की बातें ही तनाव का, डिप्रेशन का कारण बनती है। आज तक दुनिया में जितने विद्वान हुए, जितने साइंटिस्ट हुए, जितने कामयाब लोग हुए, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। और ये समाज है, कहना सुनना तो लगा ही रहता है। आप अच्छा कीजिएगा तभी आपको लोग कहने वाले हैं, आप बुरा कीजिएगा तभी आपको लोग कहने वाले हैं। उसमें आपके साथ चलने वाले कम, आपके पीछे से टांग खींचने वाले अधिक लोग मिलते हैं। आदमी यही कच्चा खा जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर आदमी चलता है उस लक्ष्य में जो रोड़ा आती है वो रोड़ा कौन है? वो आपको पीछे ले जाने वाला है, वो आपको खत्म करने वाला है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको आग में झोंकने वाला है, मौत के मुंह में झोंकने वाला है। वह व्यक्ति हर जगह पर आपको इस तरह से डेमोलाइज करता है, किसी अच्छे इंसान को बिगाड़ देने के लिए, किसी अच्छे इंसान को मौत के मुंह में धकेल देने के लिए इन लोगों के पास आवश्यक सामग्री है। तुम तनाव दो, तुम तनाव दो, तुम तनाव दो, ये जाएगा कहां? एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपना उल्लू सीधा कराने के लिए किसी निर्दोष का जान ले लेगा। प्यारे दोस्तों, बेहतर होगा कि हम दूसरी की बात सुने कम, अपना काम ज्यादा करें। इस आत्महत्या करने के पीछे सबसे बड़ा चीज है तनाव।
ध्यान दीजिए, आपने जब जन्म लिया था तो क्या ये तनाव आपके पास था? नहीं था। तो ये तनाव बढ़ा क्यों? इसके दो चार कारण मैंने देखे हैं। एक, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समर्थता के अनुसार आवश्यकता बढ़ेगी तो मनुष्य को तनाव होगा, और उस तनाव में अच्छे बुरे का ज्ञान ना होगा, और धीरे धीरे उस आवेश में बढ़ते 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 उतना दूर निकल जाएगा कि उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। मुझे एक कहानी याद आ रही है, जिस कहानी का नाम था जमीन का भूख। एक व्यक्ति था एक राज्य में, एक राजा ने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, यह जो भी जमीन दिखाई दे रही है ये तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस काम में समय का बाउंडेशन है, समय का प्रतिबंध है। तुम आज सुबह जब से सूर्योदय होता है तब से लेकर सूर्यास्त होने तक जितनी जमीन पर तुम चल जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, सूर्योदय हुआ, चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद वो जमीन सारी मरुस्थल थी, मरुभूमि थी, कहीं पानी का निशान नहीं था, लेकिन उसको जमीन पाना था, जमीन की भूख उसको चलना शुरू कर दिया। सुबह खाया पिया नहीं, इसलिए कि जितना जल्दी चलूंगा उतना जमीन हमारी होगी। आगे चलता गया, पीछे देखता, ये जमीन हमारी, बड़ी खुश होता था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उस जमीन की भूख में वो बढ़ते बढ़ते मरुस्थल में इतना दूर तक चला गया कि पीछे देखने के बाद उसको जमीन दिखाई नहीं देती थी। अब उसको भूख सताने लगी थी, अब उसको प्यास सताने लगी थी। फिर इधर देखता है तो देखता है सूर्योदय होने, सूर्यास्त होने वाली है। अब और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो, और आगे बढ़ेंगे तो ये जमीन हमारी हो जाएगी। भूख और प्यास को नजरअंदाज करके वो और आगे बढ़ा और बढ़ते गया, तब तक सूर्यास्त हो गई और भूख और प्यास से उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। भूख, वो भी भूख बहुत खराब है। भूख हम शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन करते हैं, और ऐसा ही भूख न लग जाए कि शरीर ही बर्बाद हो जाए, प्राण ही बर्बाद हो जाए, संबंध ही विच्छेद हो जाए, तो वही भूख जहर का काम करती है, वही भूख आत्महत्या का काम करती है। वह व्यक्ति अपना प्राण लीला समाप्त कर चुका, वो मर गया। आत्महत्या के ये भी कारण हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। धन्यवाद। ये आत्महत्या पर एक छोटा सा मेरी सोच थी, इसको आप सोचें, देखें, समझें कहाँ तक ठीक है, नहीं है। बुरा लगे तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो आगे बढ़ें।